हेलो बच्चों, तो इससे पहले हम एलिमेंट्री कनाल हमने पूरा कवर कर लिया था। सबसे पहले हमने माउथ से शुरू किया था और हमने पूरा एनस तक हमने एलिमेंट्री कनाल का पूरा डिस्कस कर लिया था। स्टमक डिस्कस किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके कितने सारे पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है, वो सारा का सारा मैंने कवर किया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक्सेसरी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारा जो सबसे पहला आता है वो आता है लीवर। लीवर आज हम क्या करेंगे, लीवर के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि लीवर का काम क्या है हमारे बॉडी में, लीवर हमारे डाइजेशन में क्या हेल्प करता है, ठीक है, कौन सा ऐसा जो है मतलब मिनरल न्यूट्रिशन होता है जो कि जिसको डाइजेशन में या जिसके एब्जॉर्प्शन में जो है लीवर हेल्प करता है, ठीक है, और लीवर से जुड़ी कुछ कुछ चीज़ें और भी जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं कि तीन तरह के जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म एक्टोडर्म मीजोडर्म और इंडोडर्म। क्या होते हैं, तीन तरह के जर्म लेयर पाए जाते हैं। ये क्या है, ये जर्म लेयर है, ये भी हम अगर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो हम अच्छे से ये भी चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। ये तीन जो हमारा लीवर होता है ये डेवलप होता है किससे, इंडोडर्म से। जो हमारा लीवर होता है वह इंडोडर्म से डेवलप करता है। तो इसको लिखेंगे इट, सबसे पहला लाइन यही है, इट डेवलप फ्रॉम इंडोडर्म, इट डेवलप फ्रॉम इंडोडर्म। ये कहाँ से डेवलप होता है, इंडोडर्म से। और दूसरी बात, ये लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारे पूरी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो इसको लिखेंगे इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है, वेट तो इसका 1.22-1.5 kg इन नॉर्मल पर्सन, ठीक है। लड़कियों में क्या होता है, इसका वेट थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा हल्का का एक डिफरेंस होता है, ठीक है। मेल में थोड़ा इसका वेट ज़्यादा होता है, लीवर का साइज भी थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है, थोड़ा सा साइज कम होता है लीवर का। दूसरा है कि जो लीवर होता है ये पाया कहाँ पे जाता है, यह पाया जाता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये पाया कहाँ पे जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के सॉरी राइट साइड में, ये हमारे राइट हैंड साइड में जो है मतलब इस तरफ कहीं इस पोजीशन पे हमारा क्या पाया जाता है, लीवर पर। लेफ्ट साइड में क्या पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है। इस चीज़ से कन्फ्यूज नहीं होना है, हम भी कन्फ्यूज हो गए थे। लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा स्टमक पाया जाता है, और राइट साइड में क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। तो इसको लिखेंगे इट इज सिचुएटेड एट राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या कहाँ पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में पाया जाता है, ठीक है। और जनरली जो हमारा जो डायफ्राम होता है, ये क्या होता है, डायफ्राम। जितनी भी हमारी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो सारा का सारा डायफ्राम से नीचे पाया जाता है। इसको लिखेंगे बिलो द डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम के जस्ट नीचे, बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे,
ठीक है, डायफ्राम के जस्ट नीचे स्टमक भी पाया जाता है और लीवर भी पाया जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें दो लोब पाए जाते हैं। अगर ये लीवर है, जैसे मान के चलिए ये लीवर है, ये लीवर है, ठीक है। इस लीवर के दो लोब पाए जाते हैं, ठीक है। पहला लोब, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब। और दूसरा लोब क्या है, इसको इसको बोलते हैं राइट लोब, ठीक है। और ये दोनों लोब कनेक्टेड होता है एक लिगामेंट से, जिसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। जो लीवर होता है हमारा वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, इट हैज मेड अप ऑफ टू लोब, यानी कि क्या हो जाएगा, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। एक होता है, पहला होता है लेफ्ट लोब, दूसरा होता है राइट लोब। पहला लेफ्ट लोब और दूसरा राइट लोब इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद कनेक्टेड किससे रहता है, बोथ लोब आर कनेक्टेड बाय फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। दोनों लोब किससे कनेक्टेड रहता है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के माध्यम से ये दोनों क्या रहता है, कनेक्ट रहता है आपस में, जो कि क्या है, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है वो क्या है, एक तरह का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, इसको ध्यान में रखेंगे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है। उसके बाद हमारा ये उसके जस्ट नीचे, लीवर के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, जैसे मान के चलिए ये लीवर है, ठीक है। इस लीवर के जस्ट नीचे, इसको नोट कीजिए पहले सभी, लीवर के राइट लोब में, लीवर के राइट साइड के लोब के जस्ट नीचे में एक मस्कुलर बैग लाइक, लीफ लाइक ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या है, इट इज गॉल ब्लैडर इट इज मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड जस्ट बिलो राइट लोब ऑफ लीवर। और अपना सिक्रीशन जो गोल ब्लैडर होता है, या फिर जो कनेक्ट रहता है लीवर से, किसके थ्रू रहता है, सिस्टिक डक्ट के माध्यम से, लोब ऑफ लीवर एंड ड्रेन बाय सिस्टिक डक्ट। कनेक्ट किससे रहता है, सिस्टिक डक्ट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ते जैसा दिखता है, हरा कलर का होता है, ठीक है। अगला
जो हमारा गोल ब्लैडर है, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ हमको नहीं जानना है, ठीक है। जो सिस्टिक डक्ट होता है गोल ब्लैडर का, वो हिपैटिक डक्ट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। सिस्टिक डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर इज कनेक्टेड विथ कॉमन कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। जो सिस्टिक डक्ट होता है गोल ब्लैडर का, वो कनेक्टेड रहता है किससे? कॉमन हिपैटिक डक्ट से। ये किससे कनेक्टेड रहता है? कॉमन हिपैटिक डक्ट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और क्या फॉर्म करता है? और एंड टू फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। और इस कॉमन बाइल डक्ट को जो है हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड डक्टस कोलिडोकस, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो लीवर होता है, ये हमने क्या किया, तो लीवर का एक ओवरव्यू जाना कि लीवर होता क्या है, आखिर कहाँ पे पाया जाता है, क्या फंक्शन है इसका। फंक्शन हमने अभी नहीं पढ़ा है, हमने बस एक लीवर का एक ओवरव्यू लिया है कि लीवर होता क्या है और बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में, लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि लीवर किस चीज़ से बना होता है, ठीक है। लीवर किस चीज़ से बना होता है? जैसे जिस तरह से एक पूरा कंप्लीट ह्यूमन सेल का बना हुआ रहता है, हम बोलते हैं कि सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका, ऑर्गेनिज्म का। तो उसी तरह से जैसे एक सेल से मिलके हमारा क्या है, सॉरी, कई सारे सेल को मिला के क्या है, एक पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, उसी तरह से क्या है, छोटे छोटे हिपैटिक लोब्यूल को मिला के क्या बना है, एक पूरा लीवर बना है, ठीक है। अगला है हमारा हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल क्या होता है? तो हिपैटिक लोब्यूल क्या है? तो हिपैटिक लोब्यूल हमने पहले बताया था, ये क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ये क्या है? लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका, लीवर का, ठीक है। उसके बाद जो हिपैटिक लोब्यूल होता है, हिपैटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू, सॉरी, कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? गिल्सन्स कैप्सूल, गिल्सन्स कैप्सूल। यानी कि जो हमारा लीवर सेल है, ठीक है, जो हमारा लीवर सेल है, ये लीवर सेल क्या होता है, कवर रहता है किससे? गिल्सन्स कैप्सूल से। किससे? ग्लिसन कैप्सूल से, ठीक है। जो हमारा लीवर सेल होता है वो किससे कवर्ड होता है? ग्लिसन्स कैप्सूल से, ठीक है। और ये क्या है? एक थिन कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है।
तो कई बार ये क्वेश्चन भी जो है मतलब आया हुआ है कि लीवर का जो ऊपरी कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, गिल्सन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये कई बार एक एग्ज़ाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है कि लीवर के ऊपर वाले कवरिंग को क्या बोलते हैं, गिल्सन्स कैप्सूल होते हैं, या फिर लीवर इज कवर्ड बाय गिल्सन्स कैप्सूल। उसके बाद जो लीवर होता है उसके पास क्या होता है, तो कुछ कुछ माइक्रोफेजेस सेल प्रेजेंट होते हैं। लीवर जो होता है उसके पास क्या होता है, माइक्रोफेजेस सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि होता है कुफर सेल, ठीक है। इसका एग्जांपल है कफर सेल। ये क्या होता है, अगर मान के चलिए कोई ब्लड है, ये वेन है, इसमें से ब्लड गया, ब्लड गया किसके पास, लीवर के पास। अब इस जरूरी थोड़ी है कि इसमें जो ब्लड है ये पूरा का पूरा साफ ब्लड है, कुछ इम्प्योर ब्लड भी हो सकता है। इम्प्योर ब्लड के साथ साथ कुछ इन्फेक्शन एजेंट, इन्फेक्टिव एजेंट जैसे कि छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, उसके बाद डेड ब्लड सेल्स वगैरह सब हो गए, वो सारे के सारे इस ब्लड के माध्यम से जाता है। यानी कि ये सारे के सारे चीज़ क्या करते हैं, ब्लड को इम्प्योर बना देता है। और अगर ये ब्लड को इम्प्योर बना देता है तो ये कहाँ चला जाता है, लीवर में। और लीवर क्या करता है, ये जितना भी इन्फेक्टिव एजेंट जैसे इसमें जो भी गया, बैक्टीरिया गया, ठीक है, उसके बाद जितने भी कोई डेड ब्लड सेल वगैरह सब हो गए, डेड ब्लड सेल्स, ये सब सारा का सारा कहाँ चला जाता है, लीवर में। और लीवर सेल में क्या पाया जाता है, एक कफर सेल। क्या पाया जाता है, कफर सेल। ये कफर सेल क्या करता है, डेड ब्लड सेल और बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेता है, अपने अंदर खा लेता है। इसको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। और ये सेल क्या करता है, इस बैक्टीरिया को अपने अंदर खा लेता है, ठीक है। इसको हम फैगोसाइटिक सेल भी कहते हैं, कफर सेल को हम फैगोसाइटिक सेल भी कहते हैं। और ये बैक्टीरिया को जैसे ये खा लेता है, यानी कि हमारे ब्लड में से जितना भी इन्फेक्टिव एजेंट वगैरह सब था वो क्या हो गया, वो क्लियर हो गया, यानी कि हमारे ब्लड को भी ये क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। तो हमारे सेल लीवर में क्या पाया जाता है, एक फाइगोसाइटिक सेल पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, कफर सेल, ठीक है। और कफर सेल का काम क्या होता है, ब्लड को प्योर करना, ठीक है। लिखेंगे फ्यू माइक्रोफाज सेल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लीवर, ठीक है, कॉल्ड कफर सेल, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह का फाइगोसेटिक नेचर का होता है, फाइगोसेटिक नेचर का होता है, ठीक है। कफर सेल को हम फैगोसाइटिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लीवर में जो है मतलब कौन सा ऐसा सेल पाया जाता है जो कि फाइगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। तो क्या है, वो कफर सेल है। जो कफर सेल है वो क्या काम करता है, फाइगोसाइटोसिस का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीवर के फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, लीवर का एक इंट्रोडक्शन जाना था कि लीवर होता क्या है। लीवर क्या होता है, लीवर हमारे राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, यानी कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी की राइट साइड में पाया जाता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारा क्या पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है। जो लीवर होता है, लीवर का क्या होता है, तो कई सारा जो है मतलब काम होता है, और वही काम अब हम क्या करेंगे डिस्कस करने वाले। इससे पहले हमने क्या बताया था लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमने स्ट्रक्चर नहीं बताया क्योंकि स्ट्रक्चर जो है मतलब पूछा भी नहीं जाता है जनरली, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर को उतना डिटेल में चर्चा नहीं किया। ये कुछ कुछ पॉइंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और देखिए इसी सबसे क्वेश्चन बना है। जैसे कि मान के चलिए हिपैटिक लोब्यूल क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार बना है। ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका, लीवर का, ठीक है। और जो हिपैटिक लोब्यूल है ये किससे कवर्ड रहता है, गिल्सन्स कैप्सूल के माध्यम से ये कवर्ड रहता है, ठीक है। इसके अंदर में क्या पाया जाता है, लीवर के अंदर में कुछ कुछ माइक्रोफेजेस सेल पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कुफर सेल कहा जाता है। और ये क्या होता है, एक फैगोसेटिक
नेचर का होता है। बस हमने कुछ कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट कवर करवाए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर जो है मतलब क्वेश्चन आता भी नहीं है और मैं एनसीईआरटी से बाहर जाऊंगा भी नहीं, ठीक है। ये सब कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। और सारे के सारे जितना भी लाइन मैंने लिखाया है सारे लाइन से क्वेश्चन क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगला है हमारा फंक्शन ऑफ लीवर। पानी पिलाओ। अगला है हमारा फंक्शन ऑफ लीवर। फंक्शन ऑफ लीवर, हमारे बॉडी में लीवर का क्या क्या काम होता है उस काम के बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। तो हमारा अब क्या है लीवर का फंक्शन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ले आए पानी। देखिए हमारे बॉडी में जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है ये भी कहाँ होता है, लीवर में ही होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी अकर इन लीवर। मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये सारा का सारा जो है सो सारा का सारा तो नहीं कह सकते, मोस्टली कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, ठीक है। ये सब सारा का सारा कहाँ होता है, लीवर में। जैसे कि हमारा जैसे पहला है बायोकेमिकल रिएक्शन है जैसे सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल, बाइल का सिक्रीशन और सिंथेसिस कौन करता है, लीवर करता है। बाइल का सिक्रीशन और सिंथेसिस कौन करता है, लीवर करता है। उसके बाद अगला क्या है हमारा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, वो भी लीवर करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कुछ कुछ रिलेटेड टर्म हैं, जैसे कुछ कुछ प्रोसेस हैं, सम प्रोसेस रिलेटेड विथ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जैसे पहला ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। तीसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, चौथा है
ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या है, कुछ कुछ टर्म है, ठीक है, कुछ कुछ प्रोसेस है, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि जेनेसिस टर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। ग्लाइकोजेनेसिस को अगर हम सेपरेट करें, ग्लाइकोजेन प्लस जेनेसिस, इस टर्म को मिला के क्या बना है, ग्लाइकोजेनेसिस। जो जेनेसिस टर्म होता है, जेनेसिस टर्म का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस टर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। जैसे गैमिटोजेनेसिस यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो जेनेसिस टर्म होता है, जेनेसिस टर्म का मतलब ही क्या होता है, फॉर्मेशन। जेनेसिस टर्म का मतलब फॉर्मेशन, और उससे पहले क्या लगा है, ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। अब इन चारों टर्म को हम क्या करेंगे, आराम आराम से डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस, पहला है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में लिखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है, कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए ग्लूकोज क्या हो जाएगा, और ये होता कहाँ पे है, इट अकर्स इन, इट अकर्स इन लीवर। ये होता कहाँ पे है, ये होता है लीवर में होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, अगर हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज यूज हुआ हो गया, ठीक है, और जो ग्लूकोज यूज नहीं होता है वो क्या होता है, लीवर उसको क्या करता है, पकड़ के ग्लाइकोजन बना देता है। ग्लाइकोजन क्या है, एक स्टोरेज फॉर्म है, ग्लूकोज का क्या है, एक स्टोरेज फॉर्म है, और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। और ये होता कहाँ पे है, इन लीवर, ये होता है लीवर में। अगला है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, हमने खाना खाया, खाना से हमको क्या मिला, ग्लूकोज मिला। अब वो जो ग्लूकोज हमने यूज कर लिया, जो ग्लूकोज हमने यूज कर लिया वो तो यूज हो गया हमारे बॉडी में, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे बॉडी में बच जाता है उसको कौन कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, लीवर में। एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन, क्या होता है, इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में। और ये होता कहाँ पे, ये प्रक्रिया लीवर में, ठीक है। तो इंसुलिन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अगला है हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, दूसरा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस टर्म का मतलब क्या होता है, ये दो, ये भी दो चीज से बना है, ये भी दो टर्म से मिलके बना है, ग्लाइकोजेन प्लस लाइसिस। लाइसिस टर्म का मतलब क्या होता है, ब्रेक। लाइसिस टर्म का मतलब क्या होता है, ब्रेक, ठीक है। किसका ब्रेक, ग्लाइकोजन का ब्रेक। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होगा, जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल होगा उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, और वो ब्रेकडाउन होके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बना लेगा, ठीक है। तो लाइसिस टर्म, जेनेसिस, जेनेसिस टर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, और लाइसिस टर्म का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन यानी कि तोड़ना। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। इसको लिखेंगे
ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये क्या कहलाएगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, इसमें क्या होगा ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन ये क्या हो जाएगा ब्रेक कर जाएगा, क्या कर जाएगा ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करके क्या बना लेगा ग्लूकोज बना लेगा। ठीक है, यानी कि पहले क्या हो रहा था ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा था, तो ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बन रहा था इसको बोल रहे थे क्या ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, और ग्लाइकोजन से अगर ग्लूकोज बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसको क्या बोलेंगे हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, अगला है हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको तीसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इसमें क्या होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस टर्म का मतलब क्या होता है फॉर्मेशन, और नियो टर्म का मतलब इसमें नियो टर्म जुड़ गया किसी नए चीज से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाएगा ग्लाइकोनियोजेनेसिस। पहले क्या होता था ग्लाइकोजन से क्या होता था टूट के ये ग्लूकोज बनाता था, लेकिन अगर किसी ग्लाइकोजन को छोड़ के अगर किसी अदर सब्सटेंस से अगर हमारा क्या हो रहा है ग्लूकोज बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर सब्सटेंस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये क्या कहलाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये अदर सब्सटेंस जैसे कि क्या हो जाएगा लाइक अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड फैटी एसिड ईटीसी। ठीक है, अदर सब्सटेंस का मतलब क्या हो जाएगा अमाइनो एसिड और फैटी एसिड। ठीक है, इस सब से क्या हो जाएगा ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, अब कैसे ग्लूकोज बनेगा अमाइनो एसिड से, एक अमाइनो एसिड से कैसे हम ग्लूकोज बनाएंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डीएमिनेशन। ठीक है, इससे जस्ट अगला टॉपिक यही है, नहीं तो हम इसको यहीं पर डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, इससे आगे जस्ट हम बताने वाले हैं कि एक अमाइनो एसिड से कैसे ग्लूकोज बनता है। ठीक है, बस एक ये टर्म है, टर्म को समझना है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा किससे किसी अदर सब्सटेंसेस से, पहले किससे होता था ग्लाइकोजन से होता था, लेकिन अब ग्लाइकोजन से नहीं होगा किसी अदर सब्सटेंस से होगा, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया और फैटी एसिड हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम ग्लूकोजेनेसिस। अगला है हमारा ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यहीं पे लिखेंगे चौथा ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, वही ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता था ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसी अदर सब्सटेंस से, तो इसमें क्या होगा ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किसी अदर सब्सटेंस से, तो लिखेंगे फॉर्मेशन
ऑफ ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस लाइक लैक्टिक एसिड से भी ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये क्या कहलाएगा? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा किसी से, किसी अदर सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। अगला है हमारा चौथा फंक्शन। इससे पहले तो हमने पहला फंक्शन क्या था? सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। दूसरा क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब तीसरा फंक्शन लिखेंगे हम, तीसरा फंक्शन लिखिए, डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। चौथा फंक्शन डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। वेट, डीएमिनेशन और यूरिया। देखिए, डीएमिनेशन टर्म का मतलब क्या होता है? हमने इससे पहले बताया था आपको कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमने क्या बताया था कि अमाइनो एसिड से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। क्या होता है? ये अमाइनो एसिड है, मान के चलिए COOH, ठीक है। इधर H है, इधर R ग्रुप है कोई, और इधर क्या है? NH2। डीएमिनेशन में क्या होगा? ये NH2 ग्रुप क्या हो जाएगा? कट के अलग हो जाएगा। डीएमिनेशन में क्या होगा? ये NH2 ग्रुप क्या हो जाएगा? कट के अलग हो जाएगा। और ये जो टर्म होगा, ये सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा? ग्लूकोज बना लेगा। और ये NH2 क्या होगा? किसी CO मॉलिक्यूल के साथ मिलके, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ये क्या है? यूरिया। ये यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये NH2 इसको कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा इसको अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड से क्या करेगा? अमाइन ग्रुप कट के क्या हो जाएगा? यूरिया बना लेगा। और जो बाकी का ग्रुप बच जाएगा वो क्या कर लेगा? ये ग्लूकोज बना लेगा। ग्लूकोज, ये क्या करेगा? ग्लूकोज बना लेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डीएमिनेशन बोलते हैं। यानी कि एक अमाइनो एसिड से NH2 ग्रुप का हटना क्या कहलाएगा? डीएमिनेशन कहलाएगा। डीएमिनेशन, ये क्या कहलाता है? डीएमिनेशन कहलाता है, ठीक है। और ये होता कहाँ पे? जनरली लीवर में होता है, मोस्टली होता है कहाँ पे? लीवर में। लिखेंगे डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड इज डन बाय लीवर। ये डीएमिनेशन कौन करवाता है? लीवर करवाता है। डीएमिनेशन कौन करवाता है? लीवर करवाता है, ठीक है। डीएमिनेशन में होता क्या है? अमोनिया से कन्वर्ट होता है किसमें? यूरिया में। लीवर कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। अमोनिया क्या है? ये क्या है? मोर टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये क्या है? मोर टॉक्सिक सब्सटेंस है। और यूरिया क्या है? लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है। लेस
टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। यानी कि हमारा जो लीवर क्या करता है, मोर टॉक्सिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करता है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, किस प्रोसेस से, बाय प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन, बाय प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन, ठीक है। ये क्या करता है, अमोनिया को किस में चेंज करता है, यूरिया में, और अमोनिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारे बॉडी में, और यूरिया क्या है, कम टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो मोर टॉक्सिक सब्सटेंस को ये किस में चेंज करता है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में। अगला है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, इसका पांचवा फंक्शन क्या है, पांचवा कि चौथा होगा, ये तीसरा फंक्शन था, तीसरा, ठीक है। अब हम लिखेंगे, इसको नोट कीजिए सभी, पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले डीएमिनेशन होता है, उसमें से क्या होता है, NH3 ग्रुप रिलीज हो जाता है उसके पास से, NH3 ग्रुप से वो क्या कर लेता है, किसी CO मॉलिक्यूल को पकड़ के वो क्या कर लेता है, यूरिया बना लेता है, ठीक है। और ये क्या है, ज़्यादा टॉक्सिक है, मोर टॉक्सिक है, मोर टॉक्सिक है, और ये क्या है, लेस टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक है, ये मोर टॉक्सिक है और ये लेस टॉक्सिक है। यानी कि NH3 से क्या किया, ये यूरिया बनाया, जो कि क्या है, हमारे बॉडी में अगर अमोनिया का जो है सो कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, अगर हमारे बॉडी में क्या होगा, अमोनिया ज़्यादा हो जाएगा, हमारा बॉडी की टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए इस जहर को कम करने के लिए क्या होता है, डीएमिनेशन का प्रोसेस होता है, और वो किस में चेंज हो जाता है, यूरिया में चेंज हो जाता है। अगला है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, चौथा प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, जो लीवर होता है हमारा, वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है। हमने इससे पहले बताया था कि जो कफर सेल होता है, कफर सेल, ये क्या होता है, फैगोसाइटिक सेल होता है, ये क्या होता है, फैगोसाइटिक सेल होता है, ठीक है। जो कफर सेल होता है, ये क्या होता है, एक फैगोसाइटिक सेल होता है, और ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है, हेल्प इन फैगोसाइटोसिस, हेल्प इन फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया, ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, और किसका फैगोसाइटोसिस करता है, डेड ब्लड सेल का और बैक्टीरिया का, ठीक है। और ये दोनों अगर ब्लड चला गया किसमें, लीवर में, ब्लड किस में चला गया, एक लीवर में चला गया। अब इसमें क्या है, बहुत सारा इम्प्योर ब्लड है, यानी कि डेड ब्लड सेल है, ठीक है, बहुत सारा इसके अंदर बैक्टीरिया है, ये इसमें चला गया कहाँ, लीवर में, लीवर में क्या होगा, तो डेड ब्लड सेल और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, कफर सेल के माध्यम से इसको खा लिया जाएगा। तो जब ये खा लिया जाएगा तो इसमें क्या होगा, प्योर ब्लड फिर ये बाहर आउट होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कहाँ से लेता है, डेड ब्लड सेल एंड बैक्टीरिया फ्रॉम ब्लड, फ्रॉम ब्लड। उसके बाद अगला है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस, पांचवा फंक्शन, पांचवा फंक्शन है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का
सिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। जितने भी हमारे जो है मतलब प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, बस एक को छोड़ के, गामा ग्लोबुलिन्स को छोड़ के, ठीक है, जितने भी हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, बस एक को छोड़ के, गामा ग्लोबुलिन्स को छोड़ के, वो सारे के सारे कहाँ पे जो है मतलब सिंथेसाइज किए जाते हैं, लीवर में सिंथेसाइज किया जाते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, आर सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। क्या होता है, जितना भी तरह का प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे सिंथेसाइज किया जाता है, लीवर में सिंथेसाइज किया जाता है, बस एक को छोड़ के, एक को छोड़ के, जो गामा ग्लोबुलिन, कभी कभी आ सकता है कहीं ऑप्शन में कि बताइए कि कौन सा जो है मतलब ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि लीवर में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, गामा ग्लोबुलिन। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, इन्हीं सब पॉइंट से क्या होता है तो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है, जैसे जैसे प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। ये करता क्या है, विच हेल्प इन, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड का क्लॉटिंग करवाता है, ये ब्लड का क्या करवाता है, क्लॉटिंग करवाता है, ठीक है। अगर कहीं से कट लग जाता है, कभी कभी क्या होता है इंसान को, अगर ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नाम का ये दो प्लाज्मा प्रोटीन अगर नहीं बनेगा उसके बॉडी में तो क्या होगा, अगर किसी को कट लग जाएगा तो कंटिन्यू उसको ब्लीडिंग होता रह जाएगा, ठीक है। उस कंटिन्यू ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या काम करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। जैसे ही यहाँ से अगर थोड़ा सा भी कट लगा, मान के चलिए यहाँ से कट लग गया, यहाँ से ब्लड काफ़ी मात्रा में जो है मतलब बाहर आएगा, ठीक है, ये फाइब्रिनोजेन क्या करता है, यहाँ पे एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जाल बना लेता है। इस जाल में क्या आता है, आरबीसी के मॉलिक्यूल आके इसमें फंस जाते हैं, और जब आरबीसी के मॉलिक्यूल यहाँ पे आके जो है इस जाल में फंस जाएंगे, क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा और ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। और ये किसका काम है, ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का काम है, और ये बनाता कौन है, लीवर के द्वारा बनाया जाता है, जो कि हेल्प करता है ब्लड को क्लॉटिंग में। उसके बाद जो अगला है हमारा हिपेरिन सिंथेसिस। छठा सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन, ठीक है। जो हिपेरिन होता है ये क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हिपेरिन ये क्या है, इट इज हिपेरिन ये क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, जो कि सिंथेसाइज कहाँ से किया जाता है, सिंथेसाइज्ड बाय लीवर के माध्यम से, ये क्या किया जाता है,
सिंथेसाइज किया जाता है कुछ कुछ, ठीक है ना, हिपेरिन सम, हिपेरिन सम, हिपेरिन सिंथेसाइज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय मास्ट सेल, मास्ट सेल एंड बेसोफिल। ठीक है, जो हिपेरिन है, हिपेरिन क्या है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हिपेरिन क्या है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, जो कि लीवर के द्वारा मोस्टली सिंथेसाइज किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ जो हिपेरिन है वो क्या होता है, मास्ट सेल और बेसोफिल के द्वारा भी सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ क्या किया जाता है, हिपेरिन ऑल्सो सिंथेसाइज फॉर्म, एक ही चीज़ हुआ, ठीक है, मास्ट सेल और बेसोफिल। एक और होता है जो एंटीकोगुलेंट होता है, एक होता है हीरोडीन, ठीक है, हीरोडीन ये भी क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है, ये भी क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है। और ये पाया किस में जाता है, लीच में, ये जनरली किस में पाया जाता है, लीच में। लीच, लीच क्या करता है, जब कोई लीच जोंक, जिसको हिंदी में जोंक कहा जाता है, वो जोंक क्या होता है, जब किसी भी एनिमल का अगर वो खून को सक करता है, अगर वो किसी का ब्लड सक करता है, तो ब्लड उसके बॉडी में जाके जमता नहीं है, उसके बॉडी में वो ब्लड जैसे ही वो जो है मतलब ब्लड को खींचता है, वैसा का वैसा ब्लड उसके बॉडी में रहता है, वो नहीं जमता है लीच के बॉडी में। क्यों, इसका पीछे का रीजन ये है कि लीच के बॉडी में पाया जाता है हीरोडीन, जो कि क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, पहले के टाइम में क्या किया जाता था, लीच से हीरोडीन नाम का जो है मतलब केमिकल प्राप्त किया जाता था, जिससे क्या एंटीकोगुलेंट के तरफ में इसका यूज किया जाता था। बाद में क्या हुआ था, लीच का कुछ कुछ जीन निकाल के कुछ कुछ प्लांट में जो है मतलब डाल दिया, अब उससे क्या होता है, हमको हीरोडीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसी तरह से हमारा अगला फंक्शन है विटामिन ए का सिंथेसिस, सातवां है हमारा। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, ठीक है, जो लीवर होता है, लीवर लीवर कन्वर्ट कन्वर्ट बीटा कैरोटीन इनटू विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक है, जो लीवर होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में। जो बीटा कैरोटीन है, जो ये बीटा कैरोटीन है, ये विटामिन ए का प्रीकर्सर भी कहा जाता है, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, ये क्या है, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का प्रीकर्सर। ये कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है, कि विटामिन ए का प्रीकर्सर कौन है, विटामिन ए का प्रीकर्सर कौन है, बीटा कैरोटीन है, कौन है ये, बीटा कैरोटीन, ठीक है, ये क्या करता है, इसको बीटा कैरोटीन को चेंज करता है किस में, विटामिन ए में, किस में चेंज करता है, बीटा कैरोटीन में। ठीक है, अगला है हमारा जो लीवर होता है, ये कुछ कुछ क्या करते हैं, लीवर स्टोर, आठवां लिखेंगे, लीवर लीवर स्टोर विटामिन विटामिन ए डी ई के, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, फैट सोल्युबल विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, फैट सोल्युबल विटामिन है,
एंड B12, ठीक है। और जो ये B12 होता है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, वाटर सोल्यूबल। तो हमारा जो लीवर होता है वो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल दोनों विटामिन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, कुछ कुछ विटामिन को स्टोर करके रखता है, जैसे कि विटामिन ADEK और विटामिन B12, इसको क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। अगला है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन। नाइन्थ, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, लीवर कन्वर्ट मोर टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। लीवर क्या करता है, मोर टॉक्सिक सब्सटेंस को किस में चेंज करता है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में। और ये हमने बताया था इससे पहले कि जैसे अमोनिया ये क्या है, मोर टॉक्सिक सब्सटेंस है। और इसको किस में चेंज कर देता है, यूरिया में। और यूरिया क्या है, एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। इसको क्या कहा जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। इस तरह से और भी कई सारे ड्रग्स का भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कोई आदमी जैसे जहर खा लेता है, ठीक है ना, अगर कम जहर रहता है तो लीवर क्या करता है, उसको काट देता है, ठीक है ना, यानी कि उसके इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा जहर रहा तो फिर लीवर भी कुछ नहीं कर पाता है इसका, ठीक है। तो लीवर का अगला फंक्शन क्या है, नाइन्थ फंक्शन क्या था, डिटॉक्सिफिकेशन। ये क्या करता है, मोर टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है किसमें, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में। अगला है हमारा हीमोपोएसिस, दसवां हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। ठीक है, यानी कि ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है, हीमोपोएसिस कहलाता है। यानी कि जो लीवर होता है वो क्या करता है, हीमोपोएसिस का भी काम करता है, ठीक है। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज RBC एंड WBC आर फॉर्म्ड बाय लीवर, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, जब हम लोग क्या होते हैं, जब मदर के वॉम्ब में रहते हैं, एक एम्ब्रियो के फॉर्म में रहते हैं। जब हम लोग बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो हमारा RBC का फॉर्मेशन कौन करता है, रेड बोन मैरो करता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बचपन में रहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, जब हमको बोन मैरो बना भी नहीं रहता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो लीवर होता है वो क्या करता है, RBC और WBC का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला है हमारा बाइल जूस। लेक्चर का लेंथ शायद इस पर बड़ा हो गया, बाइल जूस हम अगली क्लास में कवर करेंगे।
बाइल जूस हम अगली क्लास में हम कवर करेंगे। तो अभी तक हमने सबसे पहले क्या बताया था कि इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आते ही बताया था कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहला पार्ट हमने किसके बारे में पढ़ा था, लीवर के बारे में। लीवर में सबसे पहले क्या जाना था हमने कि व्हाट इज लीवर, लीवर क्या है, ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ है, ठीक है ना, ये इसका क्या हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लीवर स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, इससे अगला लेक्चर में हम डील करेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए। इससे अगला जो हमारा लेक्चर आने वाला है वो है बाइल जूस।